मैं तुम्हें बोल जाऊं यो नहीं सकता और तुम मुझे बोल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। हाँ अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये धरती मेरी माँ है और मेरे माँ के बारे में किसी ने कुछ बोला तो जिंदा गार दूंगा। मैं अपने डायलॉग अच्छी तरीके से याद रखता हूँ, कभी भूलता नहीं। और आर के भाई से पूछ लो, मैं अपना डायलॉग यहाँ भी नहीं भूल रहा हूँ। ये मोर मितान चैनल वाले मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इनका रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ। नमस्कार, जय जोहर जम्मू संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार, आपन देखा तो हमार मोर मितान चैनल संगवारी हो। जैसे कि आपन जाना तो लगातार हमार मोर मितान चैनल के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुना जुना जम्मू प्रकार के कलाकार मल्ला लेके आवत रहन, तो ये सिलसिला हमार लगातार जारी है। और आज हमारे बीच में बैठे है ग्राम झलमला जिला कबीरधाम के कलाकार, जोन सुघर सुघर जो है एमन स्केच बनाते और ओखर अलावा भी जो है बहुत अकन जो है बॉलीवुड के जो है हीरो मन के जो है आवाज़ निकालते, हुबहू मिमिक्री करते। तो आज एक हर सन गोट बात करबो और जानबो जो है स्केच कलाकारी के बारे में, आखिर जो है मन कब से बनाता था और कैसे टाइप के जो है स्केच के माध्यम से कोई आदमी के जो है हुबहू तस्वीर कैसे बनते, और मिमिक्री भी इनखर मन से जो है सुनबो। तो बिल्कुल बने रहो संगवारी हमारे ये वीडियो में। और हमारे साथ में गोविंद सिंह राजपूत भाई है और ये जो है स्केच कलाकार हरे, और साथ ही साथ हमारे बीच में जो है आर के देवांगन यानी कि रामकृष्ण देवांगन भाई है, जो गांव स्तर में इधर झलमला के आसपास में जो है कमेंट्री के लिए काफ़ी जो है मन जाने जाते हैं। यहाँ भी कोई क्रिकेट के टूर्नामेंट होते तो बिल्कुल कमेंट्री यही मन करते आसपास में, और इखरे के माध्यम से हमन जो है आज इखर सन मुलाकात करत हन। तो ज़्यादा आप देर न करते हुए सीधा हमन गोड़ बात करथन गोविंद सिंह राजपूत भाई से। भाई आप उनके बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप ला, आप यहाँ आए बहुत अच्छा लगीस, और मैं हाँ आपके चैनल ला बहुत पहली के फॉलो भी करत हूँ, सब्सक्राइब भी करे रहे हूँ और आपकी वीडियो देखता हूँ, बहुत पसंद आते हैं मोला, बहुत अच्छा लगते हैं। आप जो नया नया कलाकार ला, सिंगर है, एक्टर है और कोई भी कलाकार है, वाला जब सामने लाता हो प्रतिभा उभारता हो, ये आपके काम मोल बहुत पसंद आते और मैं आगे शेयर भी करता हूँ। आपसे मिल के मोल बहुत खुशी हुई। आर के भाई आपो मन के बहुत बहुत स्वागत करते हैं चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई और मोर मितान देखैया सबो संगवारी मल मोर मितान चैनल के डहले मोर डहले जय जोहार। गोविंद भाई आपके मैं है स्केच कलाकारी देखे हूँ आपन, हाँ जो है आप दूसर के नहीं कहा, दूसर के तो आपन बनाए हो बहुत अकन, मोर खुद बना हो तो लगा थे एकदम हुबहू मैं उमें तस्वीर में हबो ऐसे टाइप के। कब से ये स्केच कलाकारी क्षेत्र से जुड़े हो, कैसे टाइप के जो है रुचि हुई से, काखला देख के सीखे हो, इला थोड़ा बताते हो आपन हमारे दर्शक मतलब। वैसे तो मैं हाँ बचपन से बनाता हूँ चित्रकारी, जो है जिसे पेड़ पौधा बनाना है, विज्ञान में जिसे अगर हमारा कोई पाचन तंत्र मिल जाता है, जिसे श्वसन तंत्र बनाना है कि गुरु जी मन देते रही से तब वो बढ़िया बनाते रहे हूं। लेकिन मोर विशेष जिन है चित्रकला कब उभरीस मैं बताना चाहता हूँ आपला, वो जो है अभी हाल ही में जब लॉकडाउन हुई कोविड वगैरह जब चलत रही से, तब वहाँ का हुई से मैं हाँ जब खाली हुए, वैसे तो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ गांगपुर विद्यालय में, तो अब खाली हुए तो दिन भर मोर में अब करना का है ना, कोई नौकरी है और पढ़े भर भी कोई उस अंधकार लगत इस पूरा फ्यूचर जब देखन हो ही का समझ में नहीं आता रही से। अब मैं का करें चित्र में तो मोर रुचि रही सब अच्छी, तो कहूँ मैं हाँ शंकर भगवान के विष्णु भगवान के ये सब बहुत अच्छे से तैयार करते रहूँ, अपन दादाजी भी मैं देखा बहुत बार तो बहुत पसंद करें। तब मैं हाँ जब देखे वहाँ तो फेसबुक के माध्यम से वहाँ का कर चित्र डालत गया हूँ, अब बहुत जन कमेंट कर दी अच्छा लगी अच्छा लगी नाइस पीक इसे करके, तो एक जन व्यक्ति है कमरधा खड़ा है, उसका नाम मोला उसका याद नहीं आते जिन भी हो अपन बहुत अच्छा आदमी से, वो बोली सब मोरो चित्र बनाते भाई इसे करके, तब मोर अंदर एक जज्बा इसके मैं का एक चित्र बना सकता हूँ का करके, ये चीज़ एक स्थिति सब है मोर चित्र में कुछ बात हवे तब वो बोला था हवे, तब मैं का करें एक दिन ओखे ट्राई करे और ओखर बाद ओला सेंड करे कि भैया आप लोग यदि पसंद है सुहित आप फेसबुक में पोस्ट कराओ, अच्छा लगी सुहिता तो और बहुत अच्छा लगी सो फेसबुक में पोस्ट करी सोहा। ओखर बाद इसे करते करते मोर बहुत मैसेज आज शुरू हो गए कि भैया मोरो बना देते गा करके, अब मैं रहा हूँ खाली गा सब लॉकडाउन में कोविड में, अब मैं क्या करे हूँ जगह जगह कोई नेता मन के जनपद सदस्य है, जिला सदस्य है, जिला अध्यक्ष है और कोई कोई जन भी अपन बीच के बढ़िया फेमस आदमी मन के जिन अपन आस पास में फेमस है चार गाँव में जिन जानते ओखर बना दिए हूँ और एखर स्थिति बनाए तो वो ओखर जब बनाहा तो वह ज़्यादा जान है आदमी मन बोल देखी तो हो सकत है मोर चित्र मन पसंद ना पसंद सब कमेंट करके बताही, अच्छा नहीं लगी मैं वो प्रयास करूँ भाई है ना।
तो ओकर बाद का हुईस मैं हतने बना शुरू करे हूँ, ममता चंद्राकर के बना रहा हूँ, मोहम्मद अकबर जी के बना रहे हूँ, ऐसे कोई और राजनीतिक फील्ड का आदमी उखर बनाया हूँ। अब ओकर बाद अतका उभरे दलिस कि मैं हाँ देवी देवतक भी हूबहू बना धल हूँ। फिर मोला रामकृष्ण भाई मिलिस, एक से मुलाकात हुईस, आपके बारे में जाने हूँ, तो एक दिन आपके चित्र बनाए हूँ, फिर वह आपके पास तक पहुँचिस। तब मोर विशेष अगर मैं कहूँ तो मोला कोविड से बहुत कुछ सीखे मिले हवे, जैसे हमारे देश अंग्रेज में से सीखे मिले हवे, भले वह हम गुलामी करे हन लेकिन हमें सीखे मिले बहुत कुछ चीज़ है। वैसे अब कोविड में भले हम हताहत हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं समय के सदुपयोग करे हूँ भाई जी। मैं हाँ वो समय पालन करे हूँ, खाली रहे हूँ, तो साल लगभग डेढ़ साल अतका मेहनत करे हूँ, कमर तोड़ तोड़ के मैं चित्र बनाया हूँ, और ओखर से पहली मैं कोहरे इंसान के हूबहू चेहरे नहीं देते हूँ मैं हाँ हाँ, तब मैं हाँ हूबहू चेहरा वही मेरे दिल सीखे शुरू करे हूँ। ओखर पहली मैं हाँ अगर मोर बोलते हुए मकान के बनाने पौधे बनाए बना देते हूँ अच्छा से, लेकिन मैं सोचे भी नहीं रहे हूँ कि कोरोना काल आही और मोर उसका समय मिल जाही भाई। स्केच बनाना में 6-7-8 घंटे भी लग जाते अच्छा अच्छा खास अगर बनाना है तो अतका जब मोर समय कब दे पाऊँ, जब मोर में खाली समय रही दिन भर रहा, तो दिन भर समय कब मिलिस मोला, जब वो कोविड हुई था, तो वही समय में मैं लगातार प्रैक्टिस करे हूँ। और घरों पर बोला तेसे कहा तह कर थस गा तह वो कुछ काम नहीं है, तो कलर बस से ही बस खत्म कर थस कहा मिली हूँ ये भी बोलीस, लेकिन मैं कोकरों नहीं सुनूँ, मैं सिर्फ अपन आपके सुने और पूरा प्रयास करें भाई। आवाज़ जो है ऊपर वाली कृपा की वजह से मैं आज आपके साथ बैठे हूँ जी। अभी तक आप मन कते का जो है करने जो है स्केच बना चुके हो? अभी तक अगर मैं स्केच के बात करूं, अभी फिलहाल 3-4 साल के अंतर्गत में तक कम से कम नहीं कि हूँ तो 1,500 के आसपास स्केच बना चुके हूं, 1,500 स्केच बना चुके हूं अभी तक के, जिनमें मैं हाँ बहुत सारे स्केच तो मोर घरे में है और कई स्केच ऐसे है जिन मैं जा के भेंट करे हूँ। और अभी तक के मैं जेखर भी स्केच बनाया हूँ मैं बिना प्राइस के बनाया हूँ, मैं वो बताता हूँ। मैं हाँ मोर बोलिस भी है कि एकर कुछ प्राइस लगी का आप ला, एकर हम कुछ प्राइस रखन का करके, लेकिन मोर उद्देश्य इसे रही, इसे मैं खाली रहे हूँ, जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ या कोई कोचिंग देता हूँ खाली हाँ, तो चल को खुद स्केच बना देता हूँ, मोर वहाँ काफ़ी सुधार है कलाकारी में, और ऐसे करते करते मैं बनाते गए हूँ। अवेला मैं अपन प्रतिभा समझ के काम करे भाई, व्यवसाय समझ के करते हूँ, तो शायद मैं हाँ हो सकता है वो ज़्यादा पैसा कमा भी सकते रहूँ, शायद वो कहूँ आगे बढ़ जाते वही क्षेत्र में हाँ जी जी बिल्कुल। आपके प्रतिभा ला हम लगातार देखा था और सलाम करते हैं आपके जो है ये कलाकारी ला निश्चित रूप से गोविंद भाई। आप मन के ये जो है जैसे हम बात करबो, आप मन हाँ बताता हो पेशा से आप मन शिक्षक हो, शिक्षक हो तो कहीं ना कहीं बच्चा मन के भविष्य लेके काफ़ी आप मन हाँ जो पढ़ाई करते हो मन हाँ गढ़ाते हो खर मन के भविष्य ला, कैसे टाइप पे जो है समय निकालते हो, साथ ही साथ अपन मिमिक्री घलो करते हो, गांव स्तर में रामलीला में घलो अपन हाँ भाग लेते हो लगातार, ओकर भी थोड़ा अनुभव बताते हो शिक्षक हो आप मन हाँ, कैसे टाइप के जो है अभी आप मन के शिक्षक के जो है कार्य चला थे? मैं आप लोग बताना चाहता हूँ शिक्षक के जिन मोर कार्य है बहुत अच्छे से अभी फिलहाल तो चला थे, और मैं हाँ एक उद्देश्य लेकर चलता हूँ लाइफ में अपन जिंदगी में, वो ये है कि समय का सही उपयोग करना चाहिए आदमी मल्ला। जैसे आज हम पढ़ाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमारे में अवकाश चीज़ के प्रतिभा पहचाना चाहिए अपन प्रतिभा ला, हो सकते हैं हम कोई खेल में अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, कोई एक्टर है, सिंगर है बन सकते हैं। तो मैं लिखा मतलब यही सिखाता हूँ कि भैया तुम पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ में भी रुचि रखाओ जी, वो बहुत जरूरी है करके। आज हम जिसे देखते हैं कोई छत्तीसगढ़ी कलाकार है सिंगर ला देखते हैं या कोई पद्मश्री पावत देखते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वह MSc करके PhD करके ही पाए हो, वो 10वीं फेल लिखा भी है पा सकते हैं वो चीज़ ला, तो कब पाही हुआ जब अपन वहाँ फील्ड में आगे बढ़ी, जब वो चीज़ में रुचि ला अपन अच्छा प्रभाव डाली बढ़िया से मेहनत करी तब वो आगे बढ़ सकते थे। और मैं हाँ समय को मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैं हाँ सुबह 8 बजे गए सीधा 3 बजे स्कूल से आता हूँ वहाँ से, ओकर बाद शाम के समय अपन कोचिंग भी देता हूँ इकमल ला, ओकर बाद रात्रिकालीन किसान समय है वहाँ अपन कुछ तैयारी भी कर लेता हूँ, साथ ही साथ ऐसे है जैसे कि मोला स्कूल में कुछ सिंगिंग करना है कल कुछ कार्यक्रम होने वाला है ओकर तैयारी करता हूँ, या 8 दिन बाद कुछ कार्यक्रम है अगर मोला वहाँ अपन मिमिक्री दिखाना है, अमल बोलेगे कि बच्चा मान लो आप दिखाना है या 4 प्रकार के मैं आदमी आई आप लोग मन संचालन करना है, तो वो भी अगर मोल मिमिक्री करना है तो 4 दिन पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मोर काखर मिमिक्री करना है वो दिनन, तो ऐसे करते करते मैं समय निकालता हूँ। और उस संडे के दिन बस मोर में खाली बस जाते या तो कोई त्यौहार के दिन वो दिन मैं अपन स्केच के काम ला करता हूँ, और जैसे अपन कोई दशहरा है या आसपास में कोई रामलीला होते वहाँ से मुझे बुलाए जाते हैं मोर एक्टिंग ला देख के, तो मैं वहाँ जाकर तो हमेशा तैयार रहता हूँ, वहाँ जाकर मैं बहुत मेहनत करता हूँ बहुत प्रयास करता हूँ। अभी मैं हाल ही में जन्मला रामलीला में भी मोला 1st प्राइज मिली से बतौर एक्टिंग में, तो मैं हाँ उमा भी समय निकालता हूँ, और जब मोला अगर एक्टिंग करना है तो वो बीच में अपन सिंगिंग के काम है, पेंटिंग के काम है, मिमिक्री काम है पूरा रोक देता हूँ कुछ समय के लिए, काबर 8 दिन जिसे मोला बच्चे दशहरा होने वाला है, तो 8 दिन में टोटल ध्यान कामा दी हूँ
अपन एक्टिंग में दशहरा निपट गए और मोर एक्टिंग के काम वहाँ पे रुक गए। ओकर बाद मोर में जैसे एक्टिंग वाले काम नहीं है, फिर अपन एक खाली समय निकालते हैं स्केच वगैरह के लिए। और जैसे मोर कोई बोली इसके आप ले इसके स्केच बनाना है, एखर बनाना है या चित्रकूट के बनाना है, ब्रिज डालना है कुछ बोला थे जैसे, या कोई नक्शा बनाना है, तो खाली फिर समय निकालता हूँ इसे करके मैं अपन आप मेंटेन रखे हूँ। जी जी, कैसे टाइप के मन में जो है बनते कि देखा कलाकारी मतलब जैसे कखो तस्वीर बनाना है आप मल्ला, तो कैसे मतलब बना पाता हो थोड़ा बताते हो आप मन है? काबर की हूबहू बनाना कोई जो है मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन कार्य हरे, और आप एकदम हूबहू बना देता हो, कैसे टाइप के सोच के तहत शुरू करता हो? पहली तो ये है जैसे कि अगर कोई आदमी मोला मोबाइल में भेजे हवा है, मान ले कोई फोटो भेजे व्हाट्सअप करे है और बोले हवा कि आप ला ये स्केच बनाना है, स्केच तैयार करना है, तब बाकी कलाकार है, बाकी पेंटर है, बाकी और बहुत से स्केच बनाने वाले हैं मोर जैसे बहुत है, तो ओमन कैसे बनाते हैं गलत मैं नहीं जाना हूँ, लेकिन मैं अपन ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले ध्यान से देखता हूँ चेहरा माँ कि पहले ये देखता हूँ कि कैमरा क्वालिटी कैसे है, सामने वाला जिन भेजे मोला पहली समझ मैं पढ़ता हूँ पहले चेहरा जी कि उखर नाक किसे है, उखर आँख किसे है, उखर कान किसे है, पहली चेहरा मैं पढ़ता हूँ, उखर हेयर स्टाइल किसे है। अब मोर में जिन भी पेंसिल के सामान है, वैसे तो मैं एकदम नॉर्मल पेंसिल यूज़ करता हूँ अभी तक के, तो नॉर्मल पेंसिल यूज़ करता हूँ और शुरुआत मैं करता हूँ ये बहुत सी शुरुआत करता हूँ ऊपर भाग से, वहाँ से शुरुआत करते हुए मैं आँख में आता हूँ, आँख से नाक, फिर मुँह, फिर ये पूरा चेहरा वाला भाग देता हूँ, फिर बाल और फिर बाकी शरीर के काम करता हूँ। और एमो मैं एक विशेष ध्यान देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप ला, सबसे जरूरी रही थी लंबाई चौड़ाई उखर जिन आकृति उखर ये बहुत विशेष मायने रखते है, जिससे कि हम लोग बोले गए हवा जिसे हम लोग रामकृष्ण भाई जी बनाना है, आर के भाई बनाना है, अपन चित्र बनाना है मोला, तो ए फोटो मोर पास जिसे भेजे है, अब ये बोले कि भाई ए फोर साइज में बनाना है, तो ए फोर साइज में बनाया बार पहली मैं अगर फोटो देखूँ और ए फोर साइज पहली मैं मिला हूँ मोबाइल से कि ए फोर साइज में एखर लंबाई चौड़ाई कत का आते, तब तो मैं अच्छे से कर पाऊँ जी, नहीं तो का हो सकता है चेहरा मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, वो चीज़ में विशेष ध्यान देता हूँ। और अगर मुझे बोल दिया जाए कि रामकृष्ण भाई यहाँ बिठा दिया जाए और अब बनाओ करके, फिर भी मैं उन प्रयास करके बनाता हूँ, अभी तक के बना चुके हूँ, एक अभी ज़्यादा नहीं बनाया हूँ मैं, दो चार की ट्राई कर रहे हूँ और उमा अच्छा खासा मुझे रिस्पांस मिले हैं, तो किसी को बिठा करके सामने भी बनाना है तो उमा मैं उसका ढांचा देखता हूँ कि नाक के ढांचा कतकर दूर तक फैले है, आँख के कतकर दूर तक फैले है, होंठ के जिन बनावट है, ओकर बाद आते कलर के बाद, तो कलर में मैं विशेष ध्यान देता हूँ, जब हम कोहरे चेहरा जब हमारे ऊपर रोशनी पड़ते चेहरा में, तो यहाँ पर येलो कलर दिखाते हैं, लाल दिखाते हैं, चेहरा में देखते हैं कहीं पर भद्दे, वैसे कलर ही मैं डाला जाता हूँ, तो ऐसे करत करत काफ़ी प्रयास लगी से माँ और मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। जी भाई, आप मन बहुत अकन जो है कलाकार मन के मिमिक्री घलो करता हो, थोड़ा झलक दिखाते हो ओकरो बारे में बताते हैं। वैसे तो मैं स्कूल में जिसे मोर बोले जाते कि लड़का मल्ला थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा मनोरंजन भी कराना है, तो मैं यहाँ कभी कभी कुछ कुछ कर देता हूँ, और मन संचालन के कभी मिल गए तो वहाँ अभी तक के ट्राई करे हूँ, तो एकाध के मैं करना चाहता हूँ आपके सामने, तो मैं आप सभी मतलब गब्बर सिंह के सुनाना चाहता हूँ डायलॉग जो जतका मोर से बन सके अभी तक के। जी। जब गब्बर सिंह पहाड़ी इलाके में अपन रहते थे तो उखर कुछ जब साथी भाई मन जब आते तो वो पूछते गब्बर सिंह अपन आवाज में, कितने आदमी थे? अच्छा, दो आदमी थे, चोर के बच्चों वो दो और तुम तीन, फिर भी खाली हाथ आ गए, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? अच्छा यार, आना लगता है, अरे श्यामा जरा पता कर तो कि सरकार हम पे कितना इनाम रखे हैं, सुना पूरे 50,000, बहुत कटीली नचनिया है रे, अरे ये मोर मितान चैनल वाले कहाँ से आए हैं रे, सांभा जरा पता कर तो इसको। और मैं कहना चाहता हूँ सुनील सेठी की आवाज, मैं तो मैं बोल जाऊँ यो नहीं सकता, अरे तो मुझे बोल जाऊँ ये मैं होने नहीं दूंगा, हाँ अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, ये धरती मेरी माँ है और मेरे माँ के बारे में किसी ने कुछ बोला तो जिंदा गाड़ दूंगा, मैं अपने डायलॉग अच्छी तरीके से याद रखता हूँ, कभी भूलता नहीं, और आर के भाई से पूछ लो मैं अपना डायलॉग यहाँ भी नहीं भूल रहा हूँ, ये मोर मितान चैनल वाले मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इनका रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ। क्या बात है। और मैं बोलना चाहता हूँ राजकुमार जी के, जब वो प्रलनाथ गुंडास्वामी से बातचीत अपन चलते हैं तिरंगा फिल्म डायलॉग के, तो
वो बोलते हैं, जानी हम हैं और तुम हो। जानी ये माइक नहीं, ये चाकू है और अगर लग जाए तो खून निकल आता है। जानी कितने आदमी थे ये डायलॉग गब्बर ने बोला। हम बोलते हैं कि ये कमांडो बड़ा ही खतरनाक है, ये तुम्हारा बाप है गुंडा स्वामी। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी और निशाना तुम बनोगे तुम। क्या बात है, बहुत सुघर गोविंद भाई। आप मन के ये जो आप प्रतिभा है, कहीं ना कहीं मैं अपन मोर मितान चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में संगवारी हो ऐसा जो है प्रतिभा गांव गांव में आप मतलब देखे बार मिली। जरूरत है वो मतलब मंच मिले के, वो खर मन के जो है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करे के जरूरत है हमला और अपन स्तर में जो भी बन पाए। काबर की जो गाँव में जो प्रतिभा है हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत है, हर एक गाँव में आप मतलब ऐसा जो है कलाकार आप मतलब देखे बार मिली। गोविंद भाई अपन है ये जो है मिमिक्री वाला जो है कब से करत आता हो, कैसे टाइप के जो है में मतलब रुचि हुई से कि महू कोई हीरो के ककरो आवाज़ निकालते हो करके कैसे कर पाता हो? एला तो मैं इसे तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फिल्म का शौकीन हूँ और एला हमारे आर के भाई भी जाना थे मोर साथ में खेले कूदे बचपन से है कि हम घरों घर टी वी देखल जान बचपन से जी। जब घर में टी वी नहीं रहा था इसे तो छोटे छोटे रहन टी वी देखन और आज भी मैं बहुत फिल्म देखता हूँ कभी कभी समय निकाल के, अतका समय निकाले के बाद भी। तो जब मैं देखा हूँ तो अपने आप में मैं आवाज़ निकाले कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश बहुत ज़्यादा है माँ कि मैं अमिताभ बच्चन है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, कभी राजकुमार के ऐ जानी तो कभी शुभ बच्चो ऐसे मतलब मैं कोशिश करता रहा हूँ हमेशा। तो मोला अभी जैसे कि कोई गाना है उदित नारायण गाना है तो वो गाय का प्रयास कर रहा हूँ। तो इला मैं हाँ जब फिल्म चले चलते चलते मैं प्रयास करते गया लेकिन मोला ऐसे आभास नहीं होते इसी के मैं निकाल सकता हूँ आवाज़ करके। इला एक दो जन देखीस मोर आवाज़ ला बच्चा मन है तो बोलीस कि आचार्य जी ये तो एकर का सवाज आते मिथुन का सवाज आते ये तो अक्षय कुमार का सवाज आते सुनील शेट्टी का सवाज आता बोलता हो। तब मुझे लगीस कि हाँ कुछ तो है, तो मैं क्या करे माँ प्रयास करें दो चार वीडियो बनाया और ओला मैं स्टेटस में अपन डाले हूँ कि मैं हाँ कत्कापन कर पाता हूँ इसे करके। और उसके बाद वहाँ से बढ़िया कमेंट आना शुरू हुई कि आवाज़ काफ़ी हुबहू हुआ थी काफ़ी बढ़िया सा आती करके। जितना मुझसे बन सकीस विषय मैं अपन आप लोग बताना चाहता हूँ कि मैं हाँ कोई मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट नो हूँ, मोर को यह व्यवसाय भी नो है जिसे मैं पहले भी आप लोग बताया हूँ। मैं हाँ टीचिंग के काम कराता हूँ, एक मैं पेशा शिक्षक भी मैं हाँ। तो इला मैं अपन प्रतिभा के रूप में कभी कभी अपन करना है इसे के लिए रखे हुआ, चाहे स्केच हो चाहे रामलीला की एक्टिंग हो चाहे मिमिक्री आर्टिस्ट हो चाहे मोला गाना गाल बोलते थे स्कूल में तो मैं गाना गा पर भी हमेशा तैयार रहता हूँ। तो ये सब चीज़ अपन मैं प्रतिभा समझ के करता हूँ इला। और इसे कभी नहीं सोचे मैं कि मोला मिमिक्री आर्टिस्ट ही बनना है या स्केच ही बनना है, अगर ये चीज़ सोच के अगर चलाऊँ मैं हाँ तो हो सकता है और मैं काफ़ी का आवाज़ निकाल सकता हूँ, ये मैं अपन आप लोग पहचाने हूँ अत का दिन में। जी जी वाकई में आपके जो टैलेंट है निश्चित रूप से हमारे चैनल के देखिए जम्मू संगवारी मन हाँ समझ गई सोही। आर के भाई आप मन हाँ का कुछ कहना चाहो, आपो मन हाँ लगातार जो है भाई के साथ में रहता हो, आपो मन के जो है हुनर हमन ला देखे बार मिलते कमेंटी कर सो आप मन हाँ का कुछ आप मन आओ बोलना चाहो, आपो मन के जो है बात हुई तेला हमारे चैनल के माध्यम से बोलो। बहुत बेहतरीन आवाज़ निकालीस गोविंद भाई है, आवाज़ सुन के लगीस कि वाकई में हमन हाँ कोई मूवी देखा था या कोई मतलब हीरो हमारे सामने आ गए है, मतलब ऐसा टाइप के मैं हाँ शायद सुने नहीं रहे हूँ, ये मोर मतलब पहली बार है कि भाई बहुत दिन से आवाज़ कर रहे थे साथे में पढ़े हैं हमन साथे में खाए खेले खाए हैं घूमे हैं। और मोर बात है तो मैं जहाँ भी है छोटे मोटे अपन क्रिकेट मैच में टूर्नामेंट वगैरह होते तो आसपास में बढ़िया मया दुलार मिलते तो कमेंट्री पर मोला स्पेशल फ़ोन करके बुलाया जाते, और जैसे गांव में कुछ कार्यक्रम हो गया या आसपास के 10-5 किलोमीटर में कुछ कार्यक्रम होते गांव में तो मन संचालन पर भी बिल्कुल बुलाते तो ओकर लिए समय निकाल के जाता हूँ। और बस यही बात है कि मोर मितान चैनल वाले भाई हमारा इस दिलीप भाई है यहाँ उतना दूर से आके हमारे भाई के इंटरव्यू लीस, बहुत अच्छा लगी इस भाई से मिल के और गोविंद भाई से मिल के और आप सबो दर्शक से मिल के। तो आप सबो दर्शक ला मोर तरफ से जय जोहार है जी। बहुत बहुत आपो मन के बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते आपो मन ला काबर की कीमती समय निकाल के समय दे हो गोट बात करे हो ओकर लिए आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद है जी। धन्यवाद तो हमला आप मतलब देना चाहिए आप ला कि आप यहाँ आए हो हमारे गांव में और जनाब करत हो। मैं हाँ एक अपन माध्यम से कि मैसेज देना चाहता हूँ
जितना भी पब्लिक ये वीडियो देखा थे उनमें कहना चाहता हूँ कि मैं हाँ मोर मितान चैनल जब आर के भाई के माध्यम से जाने मैं हाँ और मोर मितान चैनल में जब जाने मैं जब देखे मोर दिल खुश हो गए। एकर स्थिति नहीं कि कभी मोर इंटरव्यू ही कभी मैं नहीं सोच रहे हूँ, लेकिन मैं जब उन देखे हूँ कि कभी मोना सेन कलाकार ला देखे, कभी मान कुरैशी जी से या अनु शर्मा जी से बहुत ऐसे कलाकार ला जब मैं देखे हूँ माँ त हाँ मन है तो ओला पिक्चर में देखते रहें जी ओला पिक्चर में एक्टिंग करत देखते रहें ओला हीरो बनत गुंडा बनत वो सब देखते रहें, लेकिन ओकर वास्तविक जीवन में का चलत है वो अपन वास्तविक जीवन में का करते वो मोर मितान चैनल ही है देखते है। मैं अभी तक के वीडियो के मतलब जितना वीडियो डले है मैं बहुत देखे मैं हाँ और मतलब एमा एक मैं कहे जा प्रेरणा मिले वीडियो से और यही मैं हाँ कहना चाहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब भी करो। जय जोहार। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन के। तो संगवारी और ये रीन है हमारे बीच में स्केच कलाकार मिमिक्री आर्टिस्ट गोविंद सिंह राजपूत भाई और संगवारी हमार आर के देवांगन जी जिन्हा जोन मन सुघर सुघर गोड़ बात करीन है और इखर बारे में हमन जाने हन इखर कलाकारी के बारे में जाने हन। तो हमर मन के इंटरव्यू हमर मन के गोड़ बात कैसे लगी आप मन ला जरूर कमेंट करके बताओ। अच्छा लगी सोचते वीडियो ला अधिक से अधिक शेयर करो अपन माया दुलार दो और ऐसा जो प्रतिभा है हमार छत्तीसगढ़ में जो गाँव गाँव में है ओला भी आप मन हाँ कहीं कुछ कार्यक्रम करवात हो या कुछ होते तो बिल्कुल मौका देवाओ प्रतिभा ला आगू लाओ तभी जो है ऐसा कलाकार मल्ला जो है एक उत्साह मिली बढ़ी खरुमन के। तो संगवारी हो अब ये इंटरव्यू ला यहीं आखिरी करथन अपन माया दुलार बनाए रखूँ हमारे चैनल ऊपर आगू घलोक हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुना जुना जम्मो प्रकार के कलाकार मल्ला लेके आवत रहो देखत रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।